हे दोस्तों, चटपट टीवी में आपका स्वागतम। आज हम कंपेयर करेंगे नटराज पेंसिल और अप्सरा पेंसिल को, दोनों में से कौन अच्छा है। अगर आप इसे बाय करना चाह रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको कौन सा पसंद है आप वो बाय कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अप्सरा की प्राइस। अप्सरा की प्राइस है 50 रुपीज़ और नटराज की प्राइस है 40 रुपीज़। इसमें ये जीत जाता है। अप्सरा में 10 पेंसिल्स है और नटराज में भी आपको 10 पेंसिल्स मिल जाएगा। अप्सरा में आपको एक रबर मिल जाएगा, नटराज में आपको एक रबर मिल जाएगा। अप्सरा में एक आपको शार्पनर मिल जाएगा, इसमें भी आपको एक शार्पनर मिल जाएगा। सेम है दो भी। अप्सरा में आपको एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल मिल जाएगा लेकिन नटराज में नहीं मिलेगा। हाई बॉन्डेड लिड मिल जाएगी और लॉन्ग लिड मिलेगी इसमें। चलिए निकालते हैं। फर्स्ट हम इसे खोलते हैं और खोल कर देखते हैं रबर इरेजर को कंपेयर करेंगे किसका इरेजर अच्छा है। ये हम निकाल लिए हैं। इसका इरेजर हम निकाल लिए हैं बाहर। आप देख सकते हैं अप्सरा का इरेजर बड़ा है इससे। और ये डस्ट क्लीनर है, ये है नीट एंड इजी क्लीन नॉन डस्ट है, ये डस्ट क्लीनर है। चलिए अंदर से बाहर निकाल लेता हूँ मैं इरेजर को। आपको क्या पसंद है, अब क्या यूज़ करते हैं, अप्सरा या नटराज? नटराज का इरेजर को हमने बाहर निकाल लिया है, अब निकालते हैं अप्सरा के इरेजर को। और इसे भी हमने निकाल लिया है, फाड़ लिया है, निकाल लिया है। और ये नरम, इसमें ये बहुत नरम है एज़ कम्पेयर टू नटराज के उसमें। चलिए अब देखते हैं शार्पनर की क्वालिटी को, शार्पनर की क्वालिटी को देख सकते हैं। अप्सरा का शार्पनर ज़रा बड़ा है नटराज के शार्पनर से, देख सकते हैं। दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, शार्पनर दो भी अप्सरा के अच्छे है। चलिए पेंसिल को करते हैं, देखते हैं पेंसिल में, दोनों में भी 10-10 है और देखते हैं कौन सा बड़ा है, दो भी सेम साइज़ है। चलिए इसे शार्प करते हैं अप्सरा के शार्पनर से। शार्पनर कर रहा हो, शार्प कर रहा हो, देख सकते हैं ना आप। तो इसकी लॉन्ग नीड आ गई है। अब नटराज के शार्पनर से शार्प करते हैं। शार्प कर रहा हूं मैं, देख पा रहे हो ना, उतना अच्छा शार्प नहीं कर रहा है ये। आप देख सकते हैं दोनों के लिड्स, ये लंबी लिड वाला है, ये छोटी लिड वाला है। चलिए लिक कर देखते हैं, टेस्ट करते हैं। चलिए लिक कर टेस्ट करते हैं। फर्स्ट अप्सरा को नहीं, नटराज को लिखते हैं, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ अप्सरा से। दोनों भी सेम ही दिख रहे हैं मगर इसकी निब अच्छी है। चलिए रब करके देखते हैं फर्स्ट अप्सरा से। अब देख पा रहे हो ना अप्सरा क्लीन रब कर रहा है, ये नॉन डस्ट है या नहीं देख सकते हैं, अब चेक करेंगे। ये पूरा क्लीन नहीं करा है, देख सकते हो ना, जरा जरा है इस पर और इस पर डस्ट नहीं है। तो अब नटराज से साफ करेंगे और नटराज भी उतना साफ नहीं कर रहा है। इरेजर दोनों के से बोले तो अप्सरा का अच्छा है इरेजर और शार्पनर भी अच्छा है। दोस्तों अगर आपको इन दोनों में से क्या पसंद आया नीचे कमेंट करो, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाइए। और ख़रीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग स्टेशनरीज के साथ।